ज्ञान श्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं नवंबर में हम एस्टेट होने जा रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड हम जो इंग्लिश की अब तैयारी करवाएंगे आपको, तो आज जो है हम है इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक ले रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। अब ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ये होते क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होते हैं ये? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एंड दे आर यूज टू असिस्ट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। ये क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसको हेल्प करते हैं सेंटेंस के अंदर कि जो उसका जो अर्थ है और अच्छी तरह क्लियर करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, तो दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए वी डैश नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, इसका इसकी हिंदी देखिए आप, हमें डैश घास पे नहीं चलना चाहिए, इसकी ये हिंदी होगी। अब इसे देखिए आप, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक नैतिक बंधन की बात है कि जो है हमें घास पर नहीं चलना चाहिए, ये हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि हम घास पे चलेंगे तो उसे नुकसान होगा, इसलिए हमें घास पे नहीं चलना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे तो ऑट टू आएगा, वी ऑट नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, क्या आएगा वी के बाद आएगा ऑट टू, वी ऑट नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास। अब यहाँ पे शुड भी आ सकता था, अगर हम देखें कि नॉट नहीं होता, नॉट के बाद टू नहीं होता तब यहाँ पे शुड आ सकता था, लेकिन अगर टू है तो सिर्फ ऑट ही यहाँ पे आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। टू है, अगर ब्लैंक के बाद टू है तो सिर्फ ऑट आएगा। इस तरह हमारा जो फर्स्ट का आंसर है वो ऑट बनता है, क्योंकि जो ब्लैंक है इसके बाद टू होने की वजह से यहाँ पे जो है ऑट ही इस्तेमाल हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नाउ कम सेकंड क्वेश्चन, डैश आई डू इट फॉर यू सर, तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, एक परमिशन मांगी जा रही है, एक औपचारिक आज्ञा मांगी जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल परमिशन। तो सर है उनसे हम एक परमिशन मांग रहे हैं, ऑफिशियल परमिशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करेंगे। कौन से मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, मे का, मे I do it for you, sir. Okay, student? तो यहाँ पे आज्ञा मांगी गई थी इसलिए मे का इस्तेमाल हुआ है। Now come to the third question. You dash keep your promise. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी हिंदी क्या बनती है, तुम्हें अपना प्रॉमिस, अपना वादा जो है वो निभाना चाहिए। तो यहाँ पे एक नैतिक कर्तव्य है, इसको हम मॉरल ड्यूटी भी कहते हैं, तो यहाँ पे जब हम अपना वादा निभा रहे हैं तो यहाँ पे आएगा शुड। सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तो यहाँ पर ये हम देखते हैं थर्ड का आंसर है शुड, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, क्योंकि नैतिक कर्तव्य मॉरल ड्यूटी को दर्शाया गया है तो यहाँ पे हमें शुड का इस्तेमाल करना होगा। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, द बॉक्स वाज सो हैवी दैट आई डैश लिफ्ट इट, तो यहाँ पर क्या है, जो बॉक्स था वो इतना हैवी था कि मैं उसे उठा नहीं पाया, तो यहाँ पे एक क्षमता, एक कैपेसिटी को दर्शाया गया है, व्यक्ति की क्षमता को दर्शाया गया है, और सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में, क्योंकि वाज है यहाँ पे, तो हम देखते हैं वुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट और शुड नॉट में से सिर्फ कुड नॉट ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि पास्ट की क्षमता को दर्शाया गया है, तो कुड नॉट यहाँ पर हम लगाएंगे। द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ही डैश नॉट हेल्प मी, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उसे जरूरत नहीं है, उसको मेरी सहायता करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आवश्यकता का अभाव है, हम मना कर रहे हैं कि उसे मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे ही नीड नॉट जो है ये वाला मॉडल हमारा चलेगा, नीड नॉट। ओके स्टूडेंट, ही नीड नॉट हेल्प मी, तो नीड नॉट ये जो है हमारा एक मॉडल बनता है, पूरा इस तरह इस्तेमाल किया जाता है नीड नॉट। ओके, यहाँ पे नीड्स वगैरह नहीं लगाएगा, नीड नॉट लगाएंगे आप, ही नीड नॉट हेल्प मी। ओके स्टूडेंट, आवश्यकता का के अभाव को दिखाया गया है इसलिए नीड नॉट लगाएंगे, ही नीड नॉट हेल्प मी। Now look at the question number 6. They
डैश टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे इसके अंदर देखिए, वे प्रत्येक सुबह तैराकी के लिए जाया करते थे। तो यहाँ पर भूतकाल के किसी आदत को दिखाया गया है, पास्ट हैबिट को यहाँ पे इस वाक्य में दिखाया गया है, इसलिए हम ऐसे वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? यूज टू। दे यूज टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, क्योंकि भूतकाल की आदत को दिखाया गया है, इसलिए यूज टू का इस्तेमाल होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। आई डैश पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योर सेल्फ। तो मैं पनिश करूंगी, यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं कि मैं पनिश करूंगी या करूंगा इफ यू, अगर तुम अपना बिहेवियर या अपना बिहेव जो है अपना बर्ताव सही नहीं करोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है। तो जब वार्निंग दी जाती है और फर्स्ट पर्सन जो है जब वार्निंग दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट है हमारा, तो इसलिए यहाँ पे विल का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल होगा किस समय? चेतावनी देते हुए, चेतावनी दी जा रही है। आई विल पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट, ये बनेगा सेंटेंस हमारा, विल आएगा यहाँ पे। आई विल पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योर सेल्फ। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। द वर्क डैश टाइम एंड पेशेंस। काम जो है, कार्य को समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। कार्य को करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आवश्यकता नेसेसिटी को दर्शाया गया है, तो वर्क के साथ यहाँ पे नीड्स आ जाएगा। आवश्यकता जो है वहां पे नीड्स इसके साथ चलेगा। द वर्क नीड्स टाइम एंड पेशेंस, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। आई डैश टू रिंग हर अप अगेन। यहाँ पे इसके अंदर देखिए, मेरे पास या मुझे उसको दोबारा फोन करने का साहस नहीं है। तो मेरे अंदर उसको दोबारा फोन करने का साहस नहीं है। तो साहस में होना मतलब एब्सेंस ऑफ करेज है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर हम देखते हैं आई के साथ आएगा डेयर नॉट। ओके स्टूडेंट, डेयर नॉट आएगा, डेयर नॉट। आई डेयर नॉट टू रिंग हर अप अगेन, ये बनेगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। वर्क हार्ड, मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। इसकी हिंदी ये है, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ये जो लेस्ट है इसका हिंदी में हम कहते हैं अन्यथा, और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ओके, तो यहाँ पे शुड जो है इसका एक करेक्ट आंसर बनेगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।